दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोटो के ऊपर एक वीडियो इफेक्ट डाल सकते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे चलेंगे ऐप की तरफ और आपको बताएंगे वो कौन सा ऐप है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले आपको वीडियो कैसा लगा और ऐप आपको कैसा लगा। और दोस्तों आपके लाइक और कमेंट से मेहनत भी वसूल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों सीधे बढ़ते हैं उस ऐप की तरफ। तो यहाँ पर आपको उसके लिए करना होगा प्ले स्टोर को ओपन। जैसे आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे यहाँ आपको लिखना है वी इमेज। जैसे आप वी इमेज लिखेंगे तो यहाँ पर ये पेज इस तरह से ओपन होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसके आइकॉन को अच्छे से देख लीजिए, यह ऐप आपको यहाँ ढूंढना आसान रहेगा। और अगर इस तरह से आपको नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे सीधा ओपन करता हूँ, आप इसे यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे आपका ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये वो। तो ये सब मैं खुद आपको बता देता हूँ, इसलिए आपको इन सब के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सीधा आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगी गैलरी। तो गैलरी में जाइए और आप गैलरी से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेकर आ जाइए। तो मैं यहाँ गैलरी में जाता हूँ और यहाँ से अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों क्योंकि मैं जल्दबाजी में करता हूँ आपको सिखाने के चक्कर में कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं कोई सा भी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप वीडियो के जो इफेक्ट है उसके हिसाब से अपने फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छे इफेक्ट आएँ और आपका फ़ोटो भी अच्छा लगे। तो यहाँ इस तरह से जैसे ही आपका फ़ोटो आकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो यहाँ एक तो रोटेट होता है कि आप यहाँ फर्स्ट जो आइकॉन है 90 डिग्री जिस पे लिखा हुआ है इससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से जिधर चाहे वैसे। उसके बाद यहाँ ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस आप यहाँ पर कम और ज़्यादा इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेचुरेशन है, तो इसको भी आप इस तरह से यहाँ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कलर कम और ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ ये सब मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि फ़ोटो को आप यहाँ कुछ सेट कर सकें उसमें इफ़ेक्ट डालने से पहले। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर आप देखिए लाइट का ही फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ोटो को फ़्लिप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ इस तरह से ये फ़्लिप हो जाएगा, आपको जिस चाहिए जिस तरफ उसका मूव करना है अपने फ़ोटो का आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ आपको एक एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इफेक्ट्स आने चालू हो जाएंगे जो कि आप अपने फोटोज़ में डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा फोटो इस तरह का है नहीं कि इस पर ये मैं फूल जड़ी वाला एक स्पार्कल इफेक्ट में डाल सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड में सीधा हाथ की तरफ आपको जो ऊपर एरो बना हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये इफेक्ट आपके फोटो पर इस तरह से आ जाएगा। आप इसे यहाँ से इस तरह से बड़ा और छोटा कर सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। अभी मेरा फ़ोटो तो इस तरह का है नहीं कि यहाँ पर इस तरह का इफेक्ट लगाया जाए, इसलिए मैं बैक करता हूँ। और बैक करने के बाद आपको हमिंग बर्ड वाला इफेक्ट आपको बता देता हूँ। तो ये हमिंग बर्ड वाला इफेक्ट है दोस्तों, इसी तरह इस पर राइट का निशान जो ऊपर की तरफ है इस पर आपको क्लिक करना है और ये हमिंग बर्ड आपके फ़ोटो पर आ गई है। ये फ़ोटो किसी भी तरह से सूट नहीं करता है किसी भी वीडियो इफेक्ट के लिए, लेकिन चलिए हमिंग बर्ड हम कहीं लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमिंग बर्ड लगा लेते हैं। मेरे कान में कुछ कह रही है, क्या कह रही है? ये कह रही है आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चैनल पर नए वीडियो अपलोड होती है। तो दोस्तों यहाँ इस तरह से आप यहाँ पर जो इफेक्ट हैं उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर इफेक्ट हैं दोस्तों। यहाँ पर आप वापस मैं बैक आ जाता हूँ, और भी इफेक्ट्स हैं यहाँ पर जो आप चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। ये स्टीम वाला इफेक्ट है, यहाँ से आपको ये धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है इस तरह से आपके फ़ोटो में नज़र आएगा। अगर आपका कप कॉफ़ी का गिलास या कुछ भी है तो आप उस पर धुआं लगा सकते हैं, इस तरह से स्टीम लगा सकते हैं, भाप लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जो इफेक्ट्स हैं दोस्तों आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। यहाँ बादल हैं, इस तरह से आप बादल जो हैं क्लाउड्स हैं वो भी आप अपने फ़ोटो पे लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि फ़ोटो कैसा है और कहाँ पर आप इसे लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये क्लाउड वाला इफेक्ट पसंद आता है और आपको इसको सेट करना है, तो आप यहाँ ऊपर जो राइट साइड पे जो निशान है दोस्तों, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उस परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए। जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर ये एक दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेसिंग होती है जिसे आप पूरा हो जाने दीजिए।
तो दोस्तों हो गई है हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट। अगर आप प्रोसेसिंग बीच में छोड़ देते हैं और फोटो को बीच में से बैक आ जाते हैं, प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती है, तो आपका सेव नहीं होगा फोटो। इस तरह से यहाँ पर ये सेव हो गया। अब यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं, कंप्लीट हो गई है प्रोसेसिंग। अब आप यहाँ ऊपर सेव लिखा हुआ है, यहाँ से क्लिक कर सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल की गैलरी में। इसके बाद आप इसे यहाँ से फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। और ये जो सेव के नीचे जो आइकॉन है, ये शेयर का आइकॉन है दोस्तों, यहाँ से आप सीधे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप वगैरह कहीं भी। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में एक बेल का आइकॉन, एक घंटी बनी हुई है, उसे भी दबाकर ऑन कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चैनल पर नए वीडियो अपलोड होते ही।